आकर के इस संत समागम का आनंद लेते हैं। संत बड़े परमात्मा शीतल जन के व्यंग और गीतपन विवरात है, दे दे अपना रंग। संत समागम हरि कथा है, संत समागम और हरि कथा में जो आता है वो तो संतों की शरण में आता है, तो संतों के इतने शीतल वचन होते हैं जो हमारे अंदर का विकार खत्म होता है। हमारे गुरुदेव की तो महानता है, हमारे महाराज की तो महानता है। हमें जगाने के लिए सैलाकुई में करीब 2 साल परमानेंट हर संडे को गए और वहां जगाया है। धर्म के नाम पर हम लोगों को शिक्षा दी और कहा आप परमात्मा से जुड़िए। तो उन्होंने कहा परमात्मा से क्यों जुड़िए, ईश्वर हंस जीव अवतारी कि जो जन्म लेता हो वो परमात्मा का अंश होता है और जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और आत्मा का काम क्या है, परमात्मा का भजन करना। ये हमें गुरुदेव ने बताया कि अगर अंश है तो उसका काम ही परमात्मा का भजन करना है। तो हम जिस तरह अपने कपड़े साफ करते हैं, शरीर को बनाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे ही मन की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए अगर हम परमात्मा के लिए भी भजन बहुत जरूरी है। अगर हम सारे काम अपने शरीर के लिए करते हैं तो परमात्मा के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ समय अवश्य सुबह शाम निकालना चाहिए। यही गुरु करने से और गुरु से संत समागम से यही प्रेरणा हमें मिलती है और इसी से हमारा कल्याण होता है। बाकी आते और चले जाते हैं, आते और चले जाते हैं, ये एक हमारी खेती है। आप शायद ज्यादातर किसान होंगे, खेती करते होंगे या जो चीज भी आप मकान दुकान जो भी अच्छा बनाते होंगे तो अच्छा किस लिए बनाते हैं कि अच्छा लगे। और हमारे परमात्मा ने न किसी को भाला दिया है न किसी को माला दिया है, उसने क्या करा है, उसने जन्म दिया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, नहीं तो अनिल अंबानी के घर भी कोई में बच्चा पैदा होता, वो भी ऐसे ही आता है जैसे हमारे घर में आता है। परमात्मा दो रास्ता देता है, एक गुरु जी के शरण में जाओ और एक का तो आप जानते हो, आप कहीं भी बटको जंगल में कहीं भी बटको क्या खाओ क्या पियो। तो ये हम यहाँ पर निश्चित करते हैं कि हमें किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर चलना है। आप जो रास्ता सुगम होगा उसी पर जाओ। तो परमात्मा ने किसी को कुछ नहीं बताया, उसने कहा आपको खुद चुनना है कि आपको किस रास्ते पर जाना है, सुगम पर जाना है या दुर्गम पर जाना है। तो ये रास्ता है जो परमात्मा थी, तो हमने ये बताया परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, परमात्मा के लिए सब एक है, परमात्मा की सब संतानें हैं। और ये कहां से मिली, ये गुरु से। आप ये अच्छी बात है जब ही मिल सकते हैं जब आप गुरु की शरण में जाएंगे। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, रामकृष्ण थे को बना उन्होंने गुरु की और तीन लोग के जो धनी भी गुरु के आधीन, गुरु की महिमा इतनी है कि जो लिखी नहीं जा सकती कहीं न जाती। उसके इतना विस्तार लिखा है हमारे गुरुओं ने, इतना कवियों ने लिखा है कि सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मज करूं और गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण को कोई लिख नहीं सकता है कि अब हम जो जितनी भी धरती है इसको कागज बना दें और जितने पन हैं इनकी लेखनी बना दें और सारे समुद्रों मगर स्याही ओढ़ दूं और हम लिखना शुरू कर दूं, गुरु की महिमा को लिखा नहीं जा सकता है। ये गुरु पूर्णिमा है, ये गुरु की महिमा है, ये गुरु को रास्ता बताते हैं। हमारे गुरु तो अनंत है, हमारे महाराज जी तो अनंत है, रात दिन सेवा में ही रहते हैं। पहले तो समाज की सेवा करते हैं और समाज की सेवा आकर फिर गौ सेवा करते हैं। कितने सुंदर है, कितने भाव सुंदर है कि सारी जिंदगी सारी जो भी अपना सब सेवा में ही लगाए रहते हैं। और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु की शरण में आकर अपना नतमस्तक होते हैं।
और ऐसे गुरुओं का हमें आशीर्वाद है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इतने लोग गुरु के आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमें लग रहा है कि हमारा हिंदू समाज जग रहा है, हमारे हिंदू समाज में खुशी हो रही है, हमारे हिंदू समाज में उल्लास हो रहा है। आज देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, आज क्या क्या हो रहा है, लेकिन आज हमारा हिंदू समाज जाग चुका है और हम सोते नहीं है। हम जानते हैं इतने लोग आए हैं, इतने ही लोग और नहीं पा पाए हैं किसी परिस्थितियों पर, ये इतने ही नहीं है, ये इनके अलावा हजारों है। हम सेना कोई की बात करते थे, हजारों बार सेना कोई ना हिंदू नहीं है, लेकिन कोई किसी की परिस्थिति है, कोई ड्यूटी है, कोई किसी है, लेकिन आस्था गुरु जी के चरणों में है। आस्था भी एक बहुत बड़ी चीज है कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी आस्था है और ये धर्म जो है आस्था पे ही टिका हुआ है। आस्था और विश्वास, आस्था और विश्वास के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ नहीं थे, हमें कुछ पता नहीं था, गुरु के शरण में आए और गुरु ने हमें आशीर्वाद दिया, गुरु जी ने हमें प्रेरणा दी, गुरु जी ने हमें बताया, गुरु जी ने हमें सिखाया बैठना उठना। आज हम ढोलक भी थोड़ी बहुत बजा लेते हैं, आज गाना बजाना भी कर लेते हैं, आज हम आप लोगों को बोल भी देते हैं, आप लोगों को बता भी रहे हैं। ये कृपा महाराज जी की है, ये हमारे गुरु जी की है। हम लोग काफी टाइम से यहाँ आ रहे हैं, शायद ये लोग भी हम लोगों को देख रहे होंगे कि हम आप लोगों को मिलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। तो ये गुरु पूर्णिमा के आरंभ पर हम सबको गुरु जी के ऐसे चरणों में सबको जो है एक बार नमन करता हूँ कि सभी लोग गुरु जी के एक आवाज लगाए, उठे भारत की, उठे भारत की, उठे भारत की। एक बार हम लगाएंगे आप लोग, बहुत बहुत आभार गुरु भरोभर शिवपाल जी का। इनके वाणी में जिस तरह का जोश है, वो जोश हम सब में होना चाहिए। और अभी कुछ ही देर बाद जिस वाणी को श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय शिवोहम बाबा जी मंचासीन हो जाएंगे और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सब गुरु प्रेमियों को और प्रोत्साहित करेंगे। पूज्य महाराज श्री का जो जीवन है आप स्वयं जानते हैं, धर्म सेवा में गौ सेवा में व्यतीत होता है। तो बस दो वक्ता हमारे जो गुरु प्रेमी और बोलेंगे उसके उपरांत जिस वाणी को श्रवण करने के लिए हम सब एकत्रित हैं। हमारे मध्य पूज्य के गुरुदेव जी महाराज पधारेंगे और जब आएंगे तो आते आप सभी लोग खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य दुजेंद्र सिंह जी हैं जो मिट्टी बेड़ी सी हैं और बच्चों के प्रति और आश्रम में जब भी किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ती है तो बस महाराज जी को फोन मिलाने की आवश्यकता है, ये निरंतर हर समय खड़े रहते हैं। तो दुजेंद्र जी भी काफी सुंदर वक्ता हैं और दुजेंद्र जी से आग्रह के मंच पर आए और आकर के अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको ओतप्रोत करें। दुजेंद्र जी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूरब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब लोग हरिओम आश्रम में गुरु जी के प्रवचन भक्ति संगीत में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर अपने विचार रखना चाहता हूं कि जैसे आप और हम सबको ये जानकारी है कि लगभग 20 वर्षों से ये हरिओम आश्रम
इस क्षेत्र में गौ सेवा और बच्चों की सेवा में निरंतर तत्पर है। कहना बहुत आसान है सेवा करना, गौशाला गौ की सेवा करना, मगर जब करना पड़ता है तो इस बात को केवल वही व्यक्ति समझता है जो ये सेवा करता है। हम तो एक मात्र बहुत छोटे से सहयोगी हैं, मगर महाराज जी घास भी काटते हैं, चारा काट के लाते हैं, कुट्टी काटते हैं, गायों को खिलाते हैं, यहाँ तक कि अगर गोबर उठाना होता है तो महाराज जी गोबर भी उठाते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं। ये होती है सेवा। मैं इस अवसर पर ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी गाय माता है, आप जानते हैं कि हमारी गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अगर हम कोई सेवा करना चाहते हैं, ईश्वर को मानना चाहते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो यदि मात्र हम एक गौ सेवा ही कर लें, गौ सेवा करने से ही हम अपने 33 करोड़ देवी देवताओं का पुण्य हम प्राप्त कर सकते हैं। गौ सेवा हम बहुत सारे साधनों से कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम आश्रम में आए और यहाँ अपने हाथ से सेवा कर पाए। जिसकी जो श्रद्धा है, यथा शक्ति और यथा भक्ति। शक्ति लोगों में बहुत है, भक्ति कम लोगों में है। जिनमें शक्ति है वो कुछ इन कार्यों में, पुण्य कार्यों में वो भागीदार नहीं हो पाते, लेकिन जिनमें भक्ति है, चाहे उनकी आमदनी कम भी हो, हम लोग मध्यम परिवार से हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि अपनी पुण्य कमाई में से थोड़ा बहुत हम इस समाज के लिए कर सकें, तो हमें सबको ये करना चाहिए। मैं इस सबसे ये विनती करना चाहूंगा कि इस आश्रम में जो गौ 600 से ऊपर गौ है, तो उनकी सेवा में जो भी हम श्रद्धा पूर्वक जो भक्ति से हम कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, हम लोगों को करना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु शब्द ऐसा है, जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले गुरु हमारी कौन होती है? हमारी माँ सबसे पहले गुरु होती है, जो हमें खाना पीना चलना, उससे पहले तो हमारी सेवा 9 माह हमें अपनी कोख में रख के करती है। फिर जब हम इस धरती पे आते हैं तो माँ हमारी सब तरह से सेवा करती है, हमें चलना सिखाती है, हमें खाना सिखाती है। तो पहली गुरु तो हमारी माँ हुई, और दूसरे गुरु हमारे वो जो हमें स्कूलों में, विद्यालय में जो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं। और इन सबसे बड़े हमारे गुरु जो है, वो है गुरु जो हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। आज उन्हीं गुरु का गुरु पूरब, गुरु पूर्णिमा है। तो मैं चाहूंगा कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम थोड़ा सा गुरु गान कर लें, गुरु जी का गीत के रूप में गुरु जी का हम एक स्वागत कर लें। मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा गायक या वक्ता नहीं, थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूं, तो मैं चाहूंगा कि सब लोग इस भक्ति में गुरु की महिमा में थोड़ा सा मेरे साथ साथ देंगे। तो कहते हैं, करता करे ना कर सके, गुरु किए सब होए, सात दीप नौ गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में।
बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी स्वयं जानते हैं कि हरिओम आश्रम किस तरह से, जब कहते हैं ना कि समाज में बार बार मैं हर वर्ष ये कहानियां सुनाता हूं, समाज में जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है, आप लोग भी समाज के अंदर रहते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है या आप समाज के लिए कोई अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो लोग आप लोगों का मजाक उड़ाएंगे, लोग आप लोगों की बुराई करेंगे। आपने स्वयं ही देखा है, ऐसे ही हरिओम आश्रम है, जब गौ सेवा का कार्य इस पावन धरा पर कर रहा है तो बहुत सारे लोग हैं, महाराज श्री जी हमारे घर के आगे गाय आ गई, गाय क्यों आई, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज के समाज के कुछ लोगों की मनसा बता रहा हूं। लड़ाई का और कोई बहाना नहीं है, सामाजिक सेवा करने वाले को नीचा दिखाने के लिए महाराज श्री जी गाय हमारे खेत के पास क्यों आ गई, हमारे घर के पास ने गोबर कर दिया है, इतनी तमाम बातों पर समाज हमेशा टांगे खींचते रहता है, ये हमारी समाज की परिस्थिति है। लेकिन कहा जाता है, एक कहानी मुझे याद आ रही है, प्रतिवर्ष मैं सुनाता हूँ, पति पत्नी होते गधे के ऊपर जा रहे हैं, जैसे गांव से जा रहे हैं, आप इस कहानी को ध्यान से श्रवण करेंगे क्योंकि समय का भी बड़ा अभाव है, जैसे गधे से जा रहे हैं तो गांव के लोग हंसने लगे, देखो तो इस गधे के ऊपर इन दोनों पति पत्नी को दया नहीं आ रही, कितने निर्दयी लोग हैं। जब पति पत्नी ने प्रदृष्टि देखा तो दोनों गधे से नीचे उतर गए, और जैसे गधे से नीचे उतरे फिर पैदल चलने लगे, फिर लोग हंसने लगे, इनसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में है कौन, इनके पास गधा होते हुए भी दोनों पैदल जा रहे हैं। फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि समाज फिर हमें ताने सुना रहा है, कि समाज फिर हमें बोला जा रहा है, समाज की बातों में आ रहे थे ना। फिर क्या किया उन्होंने, अपनी भार्या अर्थात अपनी पत्नी को गधे के ऊपर बिठाया और जैसे गांव की ओर ले जाने लगे, गांव के लोग कहने लगे भगवान, लोग तो पति पढ़ता है नारी का पाठ पढ़ते हैं, लेकिन ये कैसी पत्नी है, अपने पति को पैदल चला रही है और स्वयं गधे के ऊपर जा रही है। पत्नी को बड़ी शर्म आई, वो गधे से नीचे बैठ गई, स्वामी जी अब आप ही बैठो, कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको बैठना हुआ आप जैसे ही बैठेंगे तो समाज चुप हो जाएगा। जैसे ही अपने पतिदेव को बिठाया फिर गांव के लोग हंसने लगे, अरे कैसे पतिदेव है, अपने पति को पत्नी को पैदल चला रहे हैं और स्वयं गधे के ऊपर चले जा रहे हैं। तो समझ क्या आया, ये समाज है, ये समाज कभी किसी को जीने नहीं देता, आप कुछ भी कार्य कीजिए आपको कभी ये समाज जीने नहीं देगा। ऐसे ही महाराज श्री जिस तरह से गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं, इन्होंने बस एक सपना लिया है कि हाथियों का काम चलने का होता है और कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं। ऐसे आप सभी के लिए ये संदेश है कि आप तमाम मैं समझता हूँ समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, अखबारों के माध्यम से छाप दिया, गुस्सा किस बात का है कि हमारे घर के पास गाय क्यों आ गई, हमारा नुकसान क्यों कर दिया, और छाप क्या दिया कि आश्रम में बच्चे गोबर उठाते हैं, अरे जहां पर रहोगे जहां का अन्न खाओगे क्या वहां सेवा नहीं करेंगे आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को कब तक खाली बिठाओगे, उनके अंदर सेवा का संस्कार तो डालोगे, एक ना एक दिन तो बोलो बेटा खड़ा हो जा कार्य कर। तो समझ में ये आया कि आप लोगों को नेगेटिव अपनी सोच को नकारात्मक करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग धरातल पर आइए, क्योंकि समाज तो हर तरह के लोग हैं, बहुत सारे साधक ऐसे जो टूट भी गए उन्होंने धरातल में देखा नहीं। और हमारे मध्य चंद्रमणि से सुरेंद्र उपाध्याय जी जिन्होंने हमें कहानियां सिखाई है कि बेटा मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी समाज के लिए कार्य किए हैं, मैं जानता हूं जब समाज के हितार्थ हेतु कार्य कर रहे हैं ना तो टांगे खींचने वाले बहुत रहेंगे। तो उपाध्याय जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हरिओम आश्रम के बच्चों के प्रति, और हरिओम आश्रम के प्रति अपार इसने इनके मन में है, इसके लिए उपाध्याय जी और हमारी माता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बस अब कुछ ही समय तदुपरांत हमारे मध्य प्रतिवर्ष जैसा होता है ना
पेड़ों में नई पत्तियां आ जाती हैं, फिर गिर जाती हैं, कुछ ना कुछ नया आता है। ऐसे ही हम सब भी यहाँ पर उत्साहित हैं कि आखिर इस बार हमारे पूज्य गुरुदेव सती शिवोम बाबा जी अपनी ओजस्वी में वाणी से हम लोगों को क्या श्रवण कराने वाले हैं। तो बस हम एक वक्ता को और मौका देते हैं, उसके उपरांत सीधे चलेंगे पूज्य गुरुदेव सरदेव शिवोम बाबा की वाणी की ओर। और जैसे ही वो आने वाले आप सभी लोग खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार करेंगे। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य मिंटू जी लक्सर से बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, चंद शब्दों में अपने भजनों का व्याख्यान गा करके हम सब भक्तों को आनंदित करें। मिंटू जी एक बार जोरदार तालियां, इनके बारे में सरस्वती का वास है और बहुत सुंदर भजन भी गाते हैं मिंटू जी। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। सर्वप्रथम क्या बोल महाराज जी, भाई मैं तो आज से जुड़ गया, हंसना तो सबसे बड़ी कला है। हाँ जी बोलिए, गुरु महाराज की जय। भाइये और जय करा, बोलिए पूरे जोर से बोलिए, गुरु महाराज की जय। एक दिन वो गोली भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए। Thank you.
एक बार जोरदार तालियां आप लोगों को नींद से आ रही। एक बार जोरदार जयकार लगाएं, बोले सतगुरु महाराज की। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बोलिए सतगुरु महाराज की। और हमारे इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से महंत आनंद गिरी जी पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां, जो कि महाराज जी के हिस्से हैं और इस वक्त अपनी सेवा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर दे रहे हैं, उसी में दे रहे हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम वक्ता के रूप में हरिओम आश्रम के प्रति जो अपार स्नेह रखते हैं, स्नेह तो आप सभी रखते हैं, लेकिन एक ऊर्जा हमेशा प्रतिदिन आश्रम को देते रहते हैं, तो हमारे मध्य सुरेंद्र उपाध्याय जी चंद्रमणि से आपसे आग्रह है, आप मंच पर आए और आकर के हम सब श्रोताओं को अपनी ओजस्वी में वाणी से ओतप्रोत करें। सुरेंद्र उपाध्याय जी हेलो सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम और सभी बच्चों को मेरा प्यार।
सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं श्री सुरेंद्र उपाध्याय के नाम से जाना जाता हूँ। मैं एक सरकारी संस्थान भारतीय पेट्रोलियम संस्थान गौतम रूप से सेवा निवास हुआ हूँ। मेरा निवास स्थान सेवला कला चंदबड़ी है। आज हम सभी लोग 19वां गुरु पूर्णिमा पर्व एकत्रित हुए हैं। आज का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ था। इसी कारण से आज के दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। साथ ही साथ कबीर जी के शिष्य घासीराम जी का भी जन्म आज ही हुआ था। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाऊ, बलिहारी गुरु आप नौ गोविंद देव बताए। हमारे मनुष्य जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु दो शब्दों से बना है, प्रथम गुरु व द्वितीय गुरु। गुरु का अर्थ है अंधकार तथा रू का अर्थ है प्रकाश। अतः सच्चा गुरु वह है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अधर्म से धर्म की ओर और अधर्मों से सद्गुणों की ओर ले जाता है। गुरु मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति का मार्गदर्शन करता है। वेद व्यास जी ईश्वर के अवतार थे। व्यक्ति का सबसे प्रथम गुरु माता पिता है, द्वितीय गुरु अध्यापक तथा तृतीय गुरु धर्म गुरु है। गुरु हमें सत मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारे दोनों गुरु श्री गुरु गिरि महाराज जी व श्री सुबोहम महाराज जी स्थान स्थान पर धार्मिक आयोजन भागवत कथा हवन संकीर्तन आदि करते रहते हैं। इस प्रकार में वास्तव में लोगों को अंत में एक निवेदन करना चाहता हूँ। हम सभी लोगों को आश्रम के विकास के लिए अधिक से अधिक दान देना चाहिए। आश्रम को कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता है, हम सब के दान से ही आश्रम चलता है। अच्छे कार्य के लिए दान देने से ईश्वर की अनुपम कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। अतः अधिक से अधिक दान देकर भाग्यशाली बने। धन्यवाद। बहुत 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 आभार व्यक्त करते हैं उपाध्याय जी आपका। और अब हमारे मध्य जिस वाणी को श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सभी लोग खड़े होकर के हमारे मध्य पूज्य गुरुदेव सरदेव शिवभोग बाबा जी अपनी ओजस्वी में वाणी को श्रवण कराने के लिए हम सब के मध्य पहुंच चुके हैं। एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आप सभी लोग लगभग दो तीन घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सभी लोग कमर सीधे करके और गोमुख मुद्रा में बैठेंगे, क्योंकि ज्ञान लेने के लिए गोमुख मुद्रा का है ना, लॉक लगा दिया जाता है अपने हाथ में। तो
जैसा कि मैंने कहा सिद्धेश्वर महादेव की पावन धरा से मैं समय का बड़ा अभाव है, अब मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा महंत आनंद गिरि जी महाराज श्री से कि आप आए और आकर के अपनी ओजस्वी वाणी से हम सब श्रोताओं को और प्रोत्साहित करें। एक बार महंत आनंद गिरि जी महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मात्र 24 वर्ष की आयु में अनेक मंचों से भागवत का रसास्वादन करवाते हैं और तमाम श्रोताओं को और प्रोत्साहित करते हैं। और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में इन्होंने एक संगठन खड़ा किया है जो प्रतिदिन लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। हनुमान चालीसा तो प्रतिदिन पढ़नी पढ़नी है, जो साथ ही नहीं आ सकता तो कम से कम एक दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये उस संगठन के नियम है। तो एक बार जोरदार तालियां। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव भगवान श्रद्धेय श्री शिवोहम बाबा जी और हमारे परम पूजनीय शिवानंद गिरि जी महाराज और आप सभी मातृशक्ति हमारी माताएं बहने आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु सिद्धेश्वर की ज्योति को बारंबार प्रणाम। क्या बोलूं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा कि बोलना क्या है। आया और महाराज जी ने माइक सौंप दिया। बस कहना इतना है कि आज जो समय चल रहा है हमारे समाज में, हम किस ओर जा रहे हैं और हमें जाना कहाँ था, बस मुख्य विषय ही यही है। इसी विषय को लेकर मैं इस भगवी चोली में आया गुरु जी के आशीर्वाद से और आगे बढ़ रहा हूँ। आज सिद्धेश्वर भगवान के चरणों में रहकर उनके आशीर्वाद से एक युवाओं का एक संगठन तैयार किया। अभी अरविंद रावत आपको बता रहे थे कि महाराज जी ने एक संगठन तैयार किया है, एक संगठन तैयार किया, एक सोच आया। जब मैं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पहुंचा और वहां पर रहने लगा तो मैंने वहां देखा कि आसपास का जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, ये व्यसनों में चले जा रहे हैं। धर्म की तरफ मंदिर में कोई नहीं आता, पार्टी हो कहीं लड़ाई झगड़ा हो उनमें सब मिलेंगे, लेकिन मंदिरों में धर्म के कार्यों में कोई आगे नहीं आता। जब ये देखा तो मन में एक इच्छा जगी कि नहीं, इन बच्चों को, इन सब युवाओं को एकत्र करना चाहिए और युवाओं से बड़ी शक्ति तो और क्या हो सकती है। क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं तो युवाओं के लिए कुछ ज्यादा सोचा जाता है। और आज सिद्धेश्वर महादेव की कृपा से लगभग 850 बच्चे हमारे संगठन से जुड़े हैं, जो पूरे देहरादून से हैं, मात्र एक क्षेत्र से नहीं पूरे देहरादून से हैं। और यहाँ तक कि टिहरी पौड़ी सहारनपुर देवबन मुजफ्फरनगर तक के बच्चे हमसे जुड़े हैं। और हम सिर्फ एक कार्य करते हैं, क्या, जगह जगह जाकर अपने सनातन का प्रचार। और हमारा कोई दूसरा ध्येय नहीं है कि हम इससे धन कमाएं कुछ करें, नहीं, धन परमात्मा बहुत देता है, ये भगवा चोला बहुत आसानी से मिल जाता है, दो रोटी पेट पालने के लिए हो जाती है और किसी चीज की लालसा नहीं। इस समाज आज जिस दिशा में जा रहा है, क्योंकि बचपन से ही आश्रम में रह के पले बड़े तो उन संस्कारों में हम रहे, और जब समाज को देखते हैं ये उल्टी दिशा उल्टी गंगा बह रही है। आज के समय में
काफी चीजें मैं देखता हूँ। अभी हम टिहरी में थे तो एक बच्चा आया, बोला महाराज जी राम कथा तो हो रही है लेकिन राम थे कौन? राम थे कौन? अब बताइए 10 साल का बच्चा हमसे ये आके पूछता है कि महाराज जी राम कौन थे, तो इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात उस माता पिता के लिए और कुछ नहीं है कि जो अपने धर्म का ज्ञान अपने बच्चे को नहीं दे सकते। और यहाँ पर हम जितने बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को धर्म के विषय में बताइए, क्योंकि हमने आज अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में डाल दिए हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में डाल दिए हैं, वहां पर ये सिखाया जाता है। रामकृष्ण के विषय में नहीं बताते, वहां पर पेट पालने की शिक्षा तो है, आप अपना पेट भरने की शिक्षा तो आपको मिलेगी, लेकिन धर्म के विषय में आपको नहीं बताया जाता है। आज के बच्चे राम को नहीं जानते, कृष्ण को नहीं जानते, गायत्री मंत्र क्या है, मृत्युंजय मंत्र क्या है, इनका किसी को नहीं पता। अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दें और धर्म के मार्ग पर उन्हें चलाएं, और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस कार्य को हम भी बड़े जोरों शोरों से देहरादून में कर रहे हैं, और आप सभी लोगों के साथ से सहयोग से आज 800 बच्चों का 850 बच्चों का संगठन बन के तैयार हुआ है और आगे बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, पूरे भारत वर्ष में इस कार्य को करना चाहते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप सभी से भी निवेदन, एक विषय और, हमने आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन क्या है इस विषय में मैं आप लोगों को बता दूं, आंदोलन है मंदिर भरो आंदोलन। क्या है? नहीं नहीं भैया, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या है आंदोलन? मंदिर भरो आंदोलन। इसमें क्या करना है हम लोगों ने, हफ्ते में एक दिन, चाहे आप सोमवार को, चाहे मंगलवार को, चाहे बुधवार को, चाहे बृहस्पतिवार को, आरती का समय शाम को क्या होता है 6 से 7 यही समय होता है मंदिरों में आरती का। आप जहां कहीं भी हैं 5 मिनट का समय निकालिए और अपने जो आपके नजदीकी मंदिर है, जो आपके सबसे नजदीक जो मंदिर प्रांगण है वहां पहुंचिए। और ये जरूरी है, क्यों जरूरी है? आप देख रहे हैं हम लोगों का क्या हो गया है, हम भगवान से ज्यादा, परमात्मा से ज्यादा, धर्म से ज्यादा अपने काम को महत्ता देते हैं। अरे मंदिर तो कल चले जाएंगे, आज काम जरूरी है। लेकिन आप धर्म विशेष के लोगों को देखोगे, चाहे लाखों का नुकसान हो जाए, करोड़ों का नुकसान हो जाए, लेकिन दिन फिक्स है, समय फिक्स है, जाना जरूर है, दुकान में ताले लग जाएंगे, ठेकेदार अपने कर्ची बेल वो क्या बोलते हैं उसे, करनी और बेल से गेंदी फावड़े एक तरफ रख के और अपना चल देंगे। उनके लिए धर्म पहले है और हमारे लिए हमारा काम पहले है, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले आपका धर्म है, अगर आपका धर्म है तो आप हैं, धर्म से आप हैं, आपसे धर्म नहीं है। आजकल बड़ी उल्टी शिक्षाएं सोशल मीडिया पर बच्चों को दी जाती हैं धर्म के विषय में, कई सारे यूट्यूब चैनल ऐसे चल रहे हैं, मैं अभी उस विषय में हमारा काम चल रहा है, हमने एक टीम लगाया है कि ऐसे जो लोग जो धर्म का गलत प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर हम नकेल कसें, उसके लिए हमने एक अभी टीम लगाई है और वो इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, और इसमें हमने 3-4 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित भी करवा दिया यूट्यूब से। क्यों? क्यों? वो धर्म के विषय में गलत शिक्षा दे रहे हैं। हमारा सनातन बहुत बहुत ही गहरा है, यथा समंदर है। मैं अभी दार्जिलिंग में था तो सिलीगुड़ी में एक बच्चे से मिला, एक परिवार में गया, एक बच्चे से मिला, बच्चा एमए पीएचडी है। उसने मुझे कहा कि महाराज जी मैंने अपने सनातन धर्म को, अपने हिंदू धर्म को तो देख लिया, समझ लिया, अब मैं जो है धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, किसी दूसरे धर्म को समझना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, धर्म को समझ लिया? बोले मैं तो आज तक नहीं समझ पाया भैया, तूने समझ लिया, बचपन मेरा इसी में बीत गया, मैं नहीं समझ पाया और तूने समझ लिया। अच्छा मैंने, चलो कोई बात नहीं, मुझे एक वेद का कोई सार बता दो तो मैं स्वीकार लूंगा। नहीं बता पाया। तब मैंने उसे कहा बेटा सनातन अथा सागर है,
ज्यादा कुछ न करो, श्रीमद् भगवद गीता उठा लो और दिन में एक घंटा उसको पढ़ना शुरू करो। संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में पढ़ो और उसको समझो। मात्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं भागवत सुनने से जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है, सुनने मात्र से नहीं होती। पता नहीं कितना कुछ सुनते हैं मगर ऐसी मुक्ति हो जाती है हमारी, तो सुनने मात्र से मुक्ति नहीं होती। भागवत जो शिक्षा हमें देती है, उस शिक्षा को, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार के उस ज्ञान के शैली से अपने जीवन को जीने से मुक्ति होती है। उस बच्चे को मैंने कहा कि ये श्रीमद् भगवद गीता उठाओ और इसको ज्यादा समय नहीं, दिन में एक घंटा पढ़ो और जितना पढ़ते हो उसका दो घंटा बैठ के चिंतन करो और ये समझ लोगे। और तब अगर तुम्हारे मन में आए कि मैं जो है दूसरा धर्म देखना चाहूं, तब मुझे बताना, तुम्हारे परिवार को कन्विंस करने की जिम्मेदारी मेरी। आज भी वो बच्चा मेरे से जुड़ा है, इस वाक्य को एक साल होने को आ गया। अब वो कहता है महाराज जी गीता तो मैं चार बार पढ़ चुका हूँ, मेरे अब तक समझ में नहीं आई, अब तक पूरा नहीं समझ पाया हूँ इसके गूढ़ रहस्य को। तो हमारा धर्म वो है, आपको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ज्ञानियों के बीच में बैठ कर सुनना पड़ेगा। जब सुनोगे समझोगे तभी पता चलेगा। कितनी ऐसी बातें हैं हमने कहीं से सुनी, गलत अर्थ समझा, गलत अर्थ समझा, गलत उसको गलत ले लिया। नहीं, ज्ञानियों के बीच में बैठो, जो चीज समझ में नहीं आती पूछो, भाई ऐसे ऐसे है, ये क्यों है, किस लिए है, उसका सही अर्थ जानो और तब कुछ निर्णय लो। ऐसे कई वाक्य सुनाने में है, समय बहुत कम है, समय ज्यादा होता जा रहा है, तो आप सभी से बस इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो सत्य सनातन धर्म की। और आप लोगों से निवेदन है कि एक आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया है, मंदिर भरो आंदोलन, और इसमें सभी सनातनी, सनातन को मानने वाले सभी भाई बहनों से, सभी बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, एक साधु भिक्षु का ये आप लोगों से निवेदन है कि हफ्ते में एक दिन, चाहे आप मंगलवार का दिन ही ले लो, शाम को आरती के समय अपने नजदीकी मंदिर प्रांगण पर जरूर पहुंचे। बस मात्र इतना अपने धर्म के लिए आप लोग कीजिए, बाकी जो परमात्मा बैठा है वो तो, आप परमात्मा कहता है एक कदम चल मैं 10 कदम चलता हूँ, है ना, बस एक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाना है और हफ्ते में एक दिन अपने नजदीकी मंदिर जरूर जाना है। बोले सत्य सनातन धर्म की। बस इन्हीं वाणी के साथ गुरु जी के से आशीर्वाद की कामना और अपनी वाणी को विराम। बहुत 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 आभार महाराज श्री जी, आपने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। और समय काफी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है और अपने मन को जितासनो जित स्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अपने मन को तन को एकाग्र करके अब उसी वाणी को आप सभी को ले चलते हैं, जिस वाणी को श्रवण करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो अनुरोध करते हैं पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय शिव ओम बाबा जी से, आप अपने ओजस्वी वाणी से आए हुए सभी हमारे गुरु प्रेमी गुरु भक्त उन सबको ओतप्रोत करें। पूज्य गुरुदेव शिव ओम बाबा जी। आइए सभी अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना करके बैठेंगे। सबसे पहले परमात्मा के निज नाम का उच्चारण करेंगे। परमात्मा का जो निज नाम, निज मैंने स्वयं बात नहीं करेगा, चुना है। हम ऐसे क्लिष्ट व्यक्तियों के ऊपर भी हमारे गुरु महाराज ने कृपा की और हमें अपने साथ जोड़ा, हमें इस लायक बनाया कि हम कम से कम संसार में जाकर अध्यात्म का प्रचार कर सके, हम संसार में जाकर ये कह सके कि सनातन क्या है, सनातन का इतिहास क्या है, सनातन पूरे विश्व को किस तरह से अध्यात्म दे रहा है, सनातन ने पूरे
मानव जीव को जीवन जीने की कला सिखाई है। ये सब हमें अपने श्री गुरु महाराज से प्राप्त हुआ है, इसलिए हम आज के दिन को अपने श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में बार बार वंदन करते हैं। पूरी साथ जो हमने अपने जीवन में कमाई की है, चाहे वो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, वो सारा ही कुछ आज हम अपने श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमें संसार में जो भी कुछ मिला ये उनका आशीर्वाद है, उनका दिव्य में दर्शन है जिसको प्राप्त कर हम आज कृतकृत हो रहे हैं। इसलिए श्रद्धालुओं, आज के इस दिन को सनातन में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। शिवा पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, भगवान सदाशिव को प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने नंदावत किया और काफी समय व्यतीत हो गए अपने मुख से शिव शिव का नाम उच्चारण करते हुए। समझने की बात है कि जो भगवान शिव के अर्धभाग से उत्पन्न देवी शक्ति है, जो सदा शिव का अंश है, शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने नंदावत किया और अपने मुख से शिव 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 का जाप किया। 60 वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन इस मंत्र से शिव की प्राप्ति नहीं हो पाई। बोली शिव शंकर भगवान की। बड़े ही भागों से गुरु का पदार्पण होता है, जीवन में ऐसे नहीं होता। देवी पार्वती अपने मुख से शिव शिव का उच्चारण कर रही है लेकिन शिव की प्राप्ति नहीं हो पाई। काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद एक दिन नारद जी महाराज का पदार्पण होता है। जब जीवन में गुरु का पदार्पण होता है श्रद्धालु, तो मन मन पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और नारद जी महाराज ने पूछा, देवी आप ये जो अपने मुख से मंत्र उच्चारण कर रही हो, ये किसको प्राप्त करने के लिए कर रही हो और ये मंत्र आपने लिया किससे? देवी पार्वती ने कहा, हे मां मोहे, मैं सदा शिव को प्राप्त करने के लिए नंदावत कर रही हूं, ये मैंने किसी से लिया नहीं है, मैं अपने आप स्वयं इस नाम को जापकर सदा शिव को प्राप्त करूंगी। नारद जी महाराज ने कहा, देवी संसार में तो क्या, देवलोक में भी अपने आप को नाम जप करके नामी को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। देवी भगवती ने प्रश्न किया, फिर वो कौन सी युक्ति है जिससे मैं सदाशिव को प्राप्त कर सकती हूँ, मुझे बताने की कृपा करें। श्रद्धालु, शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है। आज नारद जी महाराज सम्मुख बैठे हैं, देवी पार्वती को दीक्षा रूप में भगवान शिव का बीज मंत्र प्रदान कर रहे हैं और क्या कहा, देवी आप इस मंत्र का निरंतर जाप करें, इस मंत्र के जाप करने से अवश्य ही आपको सदा शिव की प्राप्ति होगी। इतने वर्ष बीत गए शिव शिव का जाप करते हुए लेकिन शिव की प्राप्ति नहीं हो पाई। आज दीक्षा रूप में देवी पार्वती ने नारद जी महाराज से उस मंत्र को धारण किया और जैसे ही मंत्र को धारण किया अपने मुख से भगवान शिव का बीज मंत्र बुलबुलाया तो देवी आनंद से पुलकित हो उठी। इसलिए हम सब भी उस मंत्र को गुनगुनाएं, बार बार अपने भाग्यों की सराहना करते हुए सदा शिव के श्री चरणों में समर्पित होकर प्रार्थना करें। प्रभु हम सबके जीवन में समय आया, आज हम गुरु पर्व की वेला पर बैठकर अपने श्री गुरु महाराज को समर्पित कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
किसी के शुभ कर्म नहीं होते, किसी के वैवाहिक अनुष्ठान नहीं होते, इस माह में केवल केवल भगवान सदा सिद्ध हुआ है। श्रवण मास में जगत में या गृहस्थियों में किसी के वैवाहिक अनुष्ठान नहीं होते, कोई महा केवल एक ही मंत्र, एक ही कार्य, कहीं अभिषेक है तो कहीं कावड़ यात्रा है तो कहीं कीर्तन है, और एक ही नाम ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, Gurudevaye Om
आज हम गुरु पर्व की पावन मेला पर हरिओम आश्रम की पावन पुष्पस्थली पर विद्यमान है। दो साल का समय कोरोना काल में ऐसा बीता कि सभी कुछ बंद हो गया, ना कहीं आना है ना जाना है ना कोई उत्सव है। दो साल के बाद पुनः हम सब एक साथ बैठकर आज गुरु पर्व के मेला में अपने श्री गुरु महाराज जी को इस कार्यक्रम को समर्पित कर रहे हैं। और बड़ी दूर दराज से देखो गोवर्धनपुर से श्याम सिंह जी का परिवार और अन्य मिंटू जी और बहुत सारे साधक हमारे यहाँ पहुंच चुके हैं। और स्थानीय साधक बहन अनिता जी जंतर माला से बहुत बहुत साधुवाद। आप हरिओम आश्रम के न्योते को स्वीकार करते हैं। धर्मावाला से सबसे पहले संगत यहाँ पहुंची है उनको भी साधुवाद। और पीपलपुर से प्रधान जी के छोटे छोटे पोते भी यहाँ पहुंचे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। एक स्नेह एक स्नेह होता है इस दिन हम एक साथ बैठकर इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में बार बार प्रार्थना करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु आपकी असीम अनुकंपा से ये समय हमारे जीवन में आया। हम आज शिवा पुराण की श्रृंखला से देवी पार्वती के उस दीक्षा स्वरूप को सुन रहे हैं जो नारद जी महाराज के द्वारा प्राप्त कर देवी सती ने भगवान सदाशिव को प्राप्त किया। सदाव हम सब चिंतन करें कि जिस सदाशिव के अंश से अग्भाग से देवी का प्रादुर्भाव हुआ, हम एक पल के लिए इस अवलोकन को अपने अंत ग्रहण में उतारे कि जो जगत के स्वामी है जगत के नियंता है वो केवल एक ही है दो नहीं, जो हिरण्य गर्भ नहीं है कालों के भी जो महाकाल है ऐसे देवाली देव महादेव सदा शिव। शिव ने देखा कि मेरे अलावा मेरा कोई स्वरूप होना चाहिए तो सदा शिव ने अपने अर्धभाग से शक्ति को उत्पन्न किया। और शक्ति के द्वारा आज हम पूरे चराचर जगत का अवलोकन करें कि जब इस प्रकृति को हम देखते हैं प्रकृति में तरह तरह की आकर्षक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, फल हैं, फूल हैं, तो कई बार देखकर मन विचलित हो जाता है, सोचने पर विवश हो जाता है कौन है जो इसको गति प्रदान कर रहा है, इस पुष्प पे कौन है जो इतने सुंदर रंगों को भर रहा है, इन पत्तियों को कौन है जो बना दे रहा है, इन पेड़ों को कौन है जो गति दे रहा है और एक ही जगह खड़े होकर इनका विकास हो रहा है, इसको हम प्रकृति कहते हैं। देवी भगवती के स्वरूप को प्रकृति कहा है। और उसका जब हम दर्शन करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं मेरी समझ में आ ही नहीं रहा है, कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। श्रद्धालु ये चिंतन का विषय है, हमारे पास बहुत छोटी समझ है, बहुत छोटी समझ है। जो परमात्मा है जिसकी प्रकृति हम देख रहे हैं वो अनंत है। अनंतता की प्रकृति को देखकर क्या हम अपने माइंड में अपने मन में समा सकते हैं? नहीं समा सकते। इसलिए बार बार उसको प्रणाम किया जाता है। कई लोग कहते हैं समाज में दुनिया में हमें परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, न जाने वो कैसा है, कहाँ है, कितनी दूर है, कोई कहता सातवें आसमान के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन ग्रंथ क्या कहता है कि बहुत नजदीक है, नेड़े नेड़े मैंने पास है। कितना पास है? शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा और शास्त्रों ने प्रभु से पूछा प्रभु कितना नेड़े है। भगवान गोविंद ने गीता भी बड़ा सुंदर समझाने का प्रयास किया कि वो इतना नजदीक है जितनी हमारी पलके पलके दिखाई दे रही है, जो हमारी नेत्रों के ऊपर पलके हैं कितना कहते हैं उनमें, अगर उनमें एक
बाल भी चला जाए, बाल कितना बारीक है, पलकों में अगर बाल चला जाए तो नेत्र उसको समा नहीं सकता, तुरंत कहता है इसको निकालो मुझे कष्ट हो रहा है। शास्त्र कहता है कि परमात्मा इतने नजदीक है, किसके लिए, जिसके मन में जिज्ञासा है, पिपासा है, उसको जानने की जो इच्छा है उसके लिए वो इतना नजदीक है, और जो जानने की इच्छा रखता ही नहीं, मुझे मिल जाए, मुझे उसका दर्शन हो जाए, मुझे संसार का वैभव मिल जाए, तो उसके लिए बहुत दूर है। कितना दूर है, चाहे वो मथुरा जाए, काशी जाए, चारधाम की यात्रा करे, रामेश्वरम जाए, पशुपतिनाथ जाए, कहीं भी जाए, उससे इतना दूर है कि उसे कहीं दर्शन ही नहीं हो रहा है। भगवान बद्री विशाल का दर्शन करके आता है, कहता मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह उठकर इस प्रकृति को देखता है, कहता मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि मन में जिज्ञासा नहीं है। मानव जीवन केवल जिज्ञासा का विषय, अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है तो हम उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए वेद ने बड़ा ही सुंदर जानने के ऊपर एक वाक्य दिया है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है और जानने योग्य है। इसलिए हम अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए आगे चलें। आज के इस कार्यक्रम को, वैसे तो ये आप सब साथियों को समर्पित है, आप सबके विचार हम सुनने के लिए आज आते रहते हैं, क्योंकि बड़ी दूर दराज से आप सब चल कर आते हैं, अपने अपने अनुभव, अपने अपने गीत, अपने अपने विचार आश्रम में आकर आज शेयर करते हैं। लेकिन कई बार समय अभाव में या कोई नहीं आता, तो उस कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए फिर पुनः स्वयं ही इन विचारों को आगे प्रसारित करना पड़ता है। कल से श्रावण मास की पावन मेला प्रारंभ हो रही है, और ऐसा पुराणों में वर्णित है कि हम श्रावण मास की पावन मेला पर सदा शिव से नाता जोड़कर निरंतर उनकी भक्ति में लीन रहे, और इस मास में पार्थिव शिवलिंग बनाने का बड़ा ही सुंदर विधान है। कई साधक ऐसे हैं जिनके घर से शिवालय बड़ी दूर है, या शिवालय जा नहीं सकते। Namo Namah Shiva Namo Namah
से मैं आप सभी का एक साथ स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आप जो आए हैं आप सबको नमस्कार भी करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है, बड़ा ही पावन पवित्र ये पर्व है। आपके अंदर गुरु के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है। देखिए ज्यादा समय तो नहीं लेंगे, अगर आप यहाँ पर आए हैं ना तो आपने कुछ श्रवण करना है, बोलना नहीं। जीवन में गुरु का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सबसे पहले जो गुरु है वो कौन है? माता है। भगवान किस रूप में आई सबसे पहले? माता की। आपने हमने भगवान को देखा है या नहीं देखा है, लेकिन हमने गुरु के रूप में भगवान को देखा। भगवान किस रूप में आते हैं? किस रूप में आते हैं भगवान? भगवान गुरु के रूप में आते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान किसी तरह से धनुष बाण लेकर के आएंगे या एक त्रिशूल लेकर के आएंगे या भगवान गदा लेकर के आएंगे, नहीं।
जब से सृष्टि बनी है आज तक भगवान अगर आए हैं तो वो किस रूप में आए हैं? गुरु रूप में आए हैं। तो गुरु एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब साधक के मन में श्रद्धा होती है ना, तो तभी उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। उसके अंदर श्रद्धा नहीं है ना, वो चाहे किसी भी गुरु के सम्मुख क्यों ना बैठ जाए, कहीं से भी ज्ञान क्यों ना ले ले, उसका कल्याण नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या होनी चाहिए हमारे अंदर? जोर से बोलो, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से ज्ञान उत्पन्न होता है, और जब हमारे अंदर ज्ञान होता है तो क्या आता है? विद्या ददाति विनयम, हमारे अंदर विनम्रता आती है, सहनशीलता आती है। हमारे पास ज्ञान तो है नहीं, हम किसी गुरु के पास में चले गए, कहीं से ऐसा ही ज्ञान लेकर के आ गए, ना हमारे अंदर विनम्रता है, ना सहनशीलता है, ना हमसे बैठना आता है, ना उठना आता है, जीवन जीने की हमारे पास कोई कला ही नहीं है, तो फिर कौन सा ज्ञान है हमारे पास? इसलिए गुरु एक श्रद्धा का विषय है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु क्या है? इन शरीरों में जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। गुरु का जो वचन है ना, उस वचन को मानना ही हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हमारा समर्पण है। अब गुरु जी के पास तो हम आते हैं, गुरु जी के वचनों को मानते नहीं है। हम चित्र की पूजा करते हैं लेकिन चरित्र का अनुसरण नहीं करते हैं, तो ना भक्ति मिलेगी ना ज्ञान मिलेगा। अब फोटो के आगे हम लोग खड़े होकर आरती उतारते हैं, उतारते हैं ना, लेकिन उसके चरित्र को अपना रहे हैं? नहीं अपना रहे। इसी प्रकार से हम आश्रमों में जाते हैं, गुरु की शिक्षा से और प्रोत होते नहीं, गुरु की शिक्षा को धारण करते नहीं है, गुरु के वचन को मानते नहीं है। गुरु ने क्या सिखाया है? गुरु ने सिखाया कि जप करो, जप करते हैं लोग, ध्यान करते हैं लोग। जब हम जप नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो गुरु से हमारी श्रद्धा क्या होगी? खत्म हो जाएगी। आज हम इस पर्वत पर आए ना, तो आज हम लोग संकल्प लें कि एवरीडे प्रतिदिन हम लोग क्या करें? जप करें, साधना करें। गुरु जी ने जो बताया है ना, उसको अपने जीवन में हम लोग कंटिन्यू उसको धारण करें, तब वास्तविकता में गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न, एक भाव उत्पन्न। और जो गुरु ने जो ज्ञान दिया है ना, गुरु ने जो रास्ता बताया है, तभी उस रास्ते पर चल करके हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी ने खान पान के विषय में बताया, गुरु ने रहन सहन के विषय में बताया, और उनको नहीं मानते तो ईशान विद्या तपो निदान, फिर तो इस संसार में हम एक मर्ग की तरह घूम रहे हैं, एक पशु की तरह घूम रहे हैं। हमारी जो एक प्रकृति है ना, उसे गुरु ही पवित्र करता है, और कोई नहीं पवित्र करता है। आज हम सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं, पूरे विश्व में केवल सनातन था, पूरे विश्व में, लेकिन आज सनातन कहाँ रह गया है? विचार करो, कहाँ रह गया है? एक देश में, एक छोटे से क्षेत्र में सिमट गया। क्यों सिमट गया सनातन? इसका रीजन क्या है? क्यों सिमटा? क्योंकि हम सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे। आज गुरु से ज्ञान लेते हैं, गुरु ने बताया कि जप करो, ध्यान करो, लेकिन उस पे विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं। आज यहाँ भागो, आज वहाँ भागो, आज वहाँ से कुछ मिलेगा, आज उधर से कुछ मिलेगा, आज उस देवता के पास में जाओ, आज उस गुरु जी के पास में जाओ, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। आज किसी ने बता दिया कि ये गुरु जी बहुत पहुंचे हुए हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या चमत्कार करते हैं। ये क्या है? जब तक ये भटकर बनी रहेगी ना जीवन में, तब तक ना सनातन डबल हो पाएगा, ना हम डबल हो पाएंगे। आपने अन्य व्यक्तियों को देखा, ईसाइयों को देखा, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, वो मेरा परमात्मा। आपने मुस्लिम भाइयों को देखा, वो क्या करते हैं? मेरा खुदा।
मेरा अल्लाह और हम लोग क्या है, कहीं पर है हमारा विश्वास, कहीं पर एक जगह विश्वास निकला है मार नहीं। संसार में जितनी भी चीजें ना मनुष्य को भटकाती हैं, लेकिन गुरु ही एक ऐसा है जो अपने शिष्यों को भटकने नहीं देता। गुरु ही बताता है अपने शिष्यों को कि इस मार्ग पर चलो, अपने मुख से क्या बोलो, ये बोलो, क्या जपो, ये जपो, एक रास्ता बताए, एक विधि बताए। आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो शिव महापुराण में देवऋषि नारद क्या बता रहे हैं, उमा, उमा से कह रहे कि उमा अगर शिव प्राप्त करना है तो उसके बीज मंत्र का उच्चारण करो, ओम नमः शिवाय, और जब भाव से वह ओम नमः शिवाय जप रही है तो उसकी परीक्षा लेने के लिए कितने आ गए, सब ऋषि आ गए और उसके मन को भटकाने लगे। क्या कहने लगे, ये तुम क्या जप रही हो, इस तरह से जपने से, इस तरह के जाप से तुम्हें कभी शिव की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन उमा क्या है, अडिग है, विश्वास है, उमा का समर्पण है अपने गुरु के चरणों में। उमा ने कहा कि मैं पर्वतराज की पुत्री हूं, मेरा विश्वास, मेरा समर्पण कभी निष्फल नहीं हो सकता। मेरे गुरुजी ने बता दिया ना कि ओम नमः शिवाय जपना है तो मुझे उससे ही क्या मिलेगी, शिव की प्राप्ति होगी, और उस बीज मंत्र से ही। वो कौन सा मंत्र था, बीज मंत्र। हमारा जो हृदय है ना, ये हृदय खाली होता है, अब इसमें हम बीज तो बोते नहीं है तो कहां से पौधा उगेगा। हम चाहते तो हैं कि शिव स्वरूप हो जाएं, हम कल्याण स्वरूप हो जाएं, लेकिन हमने अपने हृदय में उस शिव स्वरूप का पौधा, उसका बीज हमने बोया ही नहीं, तो कहां से वो स्फुट होगा। कंडीशन कैसी बनी हुई है कि अब सावन शुरू हो रहा है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चल रहा है, फिर किसी ने कह दिया कि आज का ये मंत्र काम नहीं कर रहा है, चलो कोई और मंत्र पकड़ो, फिर वो बोलना शुरू कर दिया, फिर कोई और बोलना शुरू कर दिया। ये क्या है, ये आपकी जो हृदय रूपी क्यारी है, उस हृदय रूपी क्यारी में कोई भी पौधा नहीं जम पाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जाके सिल पर पड़त निशान। आप रस्सी को जब पत्थर के ऊपर घुमाते हैं और एक जगह घुमाते हैं, कंटिन्यू घुमाते हैं, लगातार घुमाते हैं, तो तब जाकर के उस पत्थर में क्या होता है, निशान आते हैं। और उस रस्सी को लेकर के कभी यहाँ भटको, कभी वहां भटको, कभी उधर घुमाओ, कभी उधर घुमाओ, तो रस्सी स्वयं कट जाएगी, लेकिन पत्थर के ऊपर कोई निशान, जोर से बोलो, नहीं आएगा। तो जीवन में एक गुरु और एक मंत्र और एक ही साधना व्यक्ति को पार लगाएगी, और नाना प्रकार के गुरु जीवन में हम बदलते रहेंगे, इधर बदलो, उधर बदलो, उसका मंत्र लो, इसका मंत्र लो, तो ये जीवन में भटकन हो जाएगी। और गुरु कभी अपने शिष्य को भटकने नहीं देता, बल्कि वो एक रास्ता बताता है, एक मार्ग बताता है। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग एकत्र हुए हैं, सबसे पहले हम अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि एशाम, एशाम का मतलब होता है कि जो पूर्वजों का पूर्वज है, परमात्मा ही सबसे सबके गुरु है, ईश्वर ही सबके क्या है, गुरु है। और इस बॉडी के अंदर जो आत्मा है ना, ये आत्मा आपका गुरु है, क्योंकि आत्मा सर्वज्ञ है, आत्मा सब कुछ जानती है। तो इसीलिए गुरु महाराज के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा, अपना भाव प्रकट करते हुए, बड़े भाव से अपने अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए महादेव की श्री चरणों में ये चंद शब्द है, और रानी पोखरी से भी हमारे बीच में काफी साधक यहाँ पर पहुंची हुई हैं, व्यासपीठ से हम उनका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। बोली शिव शंकर भगवान की जय। सारी दुनिया मारे बोल भोला मेरा है, सारी दुनिया मारे बोल भोला मेरा है, सारी दुनिया मारे बोल भोला
श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ताली बजाने की भी श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है तो ज्ञान कहां से आएगा? ऐसे आ जाएगा। ताली की सेवा करते हैं कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का, 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 कोई कहे भारी, बोला है मन बोल बोला कोई कहे सत्ता, कोई कहे मेरा, 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 कोई कहे सत्ता, कोई कहे मोटा, कोई कहे मोटा, कोई कहे
सनातन की जागृति के लिए नाना प्रकार के प्रयास हो रहे हैं और किए जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं तुम्हारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। ध्यान रखिए, करोड़ नहीं है, 33 कोटि है, कोटि माने प्रकार। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवता है, 33 कोटि देवता है। इसलिए हम अपने धर्म की जागृति में इस चीज को ध्यान रखेंगे। और डांडा से ऋषिकेश से मेरे बीच डांडी से संगत यहाँ पढ़ा रही, उनको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। और सपना बड़ा कोटि स्वामी जी आए आपके नहीं आए, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। अभी वहाँ कार्यक्रम हुआ, पूरी गांव का कार्यक्रम था, बड़ा ही सुंदर बहनों ने सहयोग किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोली शिव शंकर भगवान की। 33 प्रकार के देवी, हम उनको क्या कहते हैं, करोड़ कहते हैं। जैसे हम लोग बड़े ग्रुप में एडमिशन करते हैं तो हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होने की वजह से हमारे पास हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे शिक्षा में प्रवेश करते हैं, PhD में पहुंच जाते हैं, बड़ी क्लासों में पहुंच जाते हैं, तो सब्जेक्ट कितने रह जाते हैं, एक से ही। जब हम आध्यात्मिक कदम रखते हैं तो हमारे लिए 33 कोटि देवता हैं, और जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो 33 कोटि देवताओं से हट करके देवता दो रहते हैं। ये दो देवता कौन से हैं, एक जड़ और एक चेतन। अभी पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी कौन सा देवता है, जड़, और गाय माता क्या है, चेतन देवता है। और जब धीरे धीरे आप गुरु के सम्मुख बैठते हैं, साधना करते हैं और अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करते हैं, अपने हृदय में उस ब्रह्म रूपी पौधे को प्रकट कर लेते हैं, तो देवता सिर्फ एक ही रह जाता है, और वो क्या है, अहम ब्रह्मसी शिवोहम शो। और वो कंडीशन कब आ जाती है हमारे जीवन में, जब हम गुरु के वचन को मानते हैं। अब गुरु के वचन को तो मानते नहीं, अपने हृदय में हम काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, अस्मिता को हम बिठा करके रखते हैं, जीवन में साधना नहीं करते, तो हजारों गुरुओं के पास में घूमेंगे लेकिन कभी भी हम ब्रह्म बेता नहीं बन सकते। अगर हमें ब्रह्म बेता बनना है तो समय समय पर गुरु के शरणागत होना पड़ेगा, गुरु के बताए गए वचन को, उनकी साधनाओं को, जप को, ध्यान को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। शास्त्र ने यहाँ तक कहा है कि हम हजारों काम छोड़ करके स्नान करें, लाखों काम छोड़ करके भोजन करें और अनंत काम छोड़ करके हम प्रतिदिन परमात्मा के नाम का जप करें, परमात्मा के नाम का ध्यान करें। और गुरु और शिष्य की यही सिखलाई, जो वास्तविकता में गुरु से जुड़े हुए हैं ना, वो प्रतिदिन ध्यान करते हैं, प्रतिदिन जप करते हैं, और जो गुरु से नहीं जुड़े हुए वो ब्रह्मवेता
कि जब हम लोग स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो हमारी दृष्टि कैसी हो जाएगी, हमारा भाव कैसा हो जाएगा, हमारा रहन सहन किस प्रकार का हो जाएगा। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुपानी, सारे ब्रह्मांड में उस ब्रह्म का ही आत्मदर्शन, क्योंकि आप उस स्टेज में पहुंच गए। उसके लिए रहन सहन, खान पान, बोली, अपना जो एटमोस्फेयर है, अपना जो वातावरण है, उसको हमें मंत्रों से पवित्र करना पड़ेगा। हमारे पीछे कौन कौन सी बातें घूम रही है मालूम है? उसने क्या कहा था, आपने क्या खाया, उसने क्या पहना, उससे लेना उससे देना, ये सारे विचार हमारे एटमोस्फेयर में घूम रहे हैं। हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर के वातावरण में ये सारे विचार घूम रहे हैं। लेकिन अगर इन विचारों को हम हटा करके और अपने एटमोस्फेयर में हम मंत्र ले आए, हम ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो पूरा ही वातावरण कैसा हो जाएगा, शिवमय हो जाएगा। उठते बैठते सोते जागते समय जब आप और हम अपने वातावरण में मंत्र का आह्वान कर लेंगे, मंत्र बोलेंगे, मंत्र का ध्यान करेंगे, ईश्वर के नाम का ध्यान करेंगे, तो पूरी प्रकृति हमारी पवित्र हो जाएगी। 33 कोटि देवता है सनातन संस्कृति में, लेकिन 33 कोटि देवताओं में भागवत ने भी कहा कि एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, तू ने उसी चे मूल को फले और फूले और समाये। इन 33 कोटि देवताओं में आपको जो भी देव प्रिय है, उस एक देव पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उस एक देव का चिंतन करें। लेकिन आज स्थिति इतनी हमारी भटकी हुई है कि हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। आज सोमवार है तो शिव मंदिर निकल गए, मंगलवार है तो हनुमान जी के पास चले गए, आज बृहस्पतिवार है तो साईं जी के पास चले गए।